पाकिस्तान की सरकार अपने पूर्व पीएम इमरान खान को बकशने की मूड में नहीं नजर आ रही है। पहले इमरान खान, फिर उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान की पार्टी को बैन करने का मन बना लिया है। ये जानकारी पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने दी है। उन्होंने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेंगे। सूचना मंत्री अत्ता तरार का कहना है कि 9 मई के दंगों और विदेशी फंडिंग मामले को देखते हुए हमारा मानना है कि पीटीआई को बैन करने के लिए हमारे पास अदालत की विश्वसनीयता बरकरार पर्याप्त सबूत है। पाकिस्तान की सरकार का ये भी कहना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के अलावा पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व उपसभापति कासिम सूरी के खिलाफ भी अनुच्छेद 6 लागू किया जाएगा। इस अनुच्छेद 6 की खास बात ये है कि अनुच्छेद 6 में सजाए मौत का प्रावधान है। पाकिस्तान की सरकार की ओर से ये फैसला शीर्ष अदालत की ओर से आरक्षित सीटों के मामले में पीटीआई को राहत दिए जाने के बाद सामने आया है। साथ साथ इद्दत मामले में पार्टी प्रमुख को राहत दी गई है। सूचना मंत्री ने कहा कि सरकार पिछले सप्ताह दिए गए फैसले के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा जाएगा कि पीटीआई महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन अपना 2/3 बहुमत खोने वाला है। इस साल मार्च में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलिंग को आरक्षित सीटों के लिए कोटा का दावा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें बिना सुधार के ये कानूनन जुर्म है और आरक्षित सीटों के लिए पार्टी सूची प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन भी है। आयोग ने अन्य संसदीय दलों के बीच सीटों का बंटवारा करने का भी फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत PMLNPP को 16 सीटें और 5 अतिरिक्त सीटें दी गई, जबकि जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल को 4 सीटें दी गई। इस बीच पीटीआई ने फैसले को असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया था। चुनाव से पहले पीटीआई से चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। इमरान की पार्टी के समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय रूप से खड़े हुए थे और जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने सुविधा अनुसार गठबंधन बनाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिलिंग में शामिल हो गए। आपको बताते चले, जैसे भारत की संसद में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि देश के संसद में कुछ सांसद को वो नियुक्त कर सकते हैं, वैसे ही पाकिस्तान की संसद में भी ये अधिकार है, जहां सांसद की कुछ सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के रिजर्व होती हैं, जिस पर सांसद चुने गए पार्टी के सदस्यों के अनुसार उन पार्टी के खातों में वो सीटें उन दलों को सदन के सभापति आवंटित करते हैं।